she like it cause she like it. देश के हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है, उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है, आइडियाज भी होते हैं। कुछ लोगों के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शाम होते होते बाल मृत्यु हो जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, कुछ यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है इसको, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, पूरे परिवार को लगता है नहीं नहीं साहब, इसमें तो पहले से ही ऐसा था। आप में से सबके जीवन में एक अनुभव आया होगा, जो सर्वनाश आपने सुना, किसी की माँ ने कहा हो या न कहा हो, लेकिन कम अधिक मात्रा में आपको सबको अनुभव आया ही होगा, क्योंकि ज्यादातर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, ऑल स्टार्टअप्स। और जब कुछ सोचा होगा नहीं बेटे अपना काम नहीं तो कहीं नौकरी कर ले, शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे, ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा, सारी दौर विरोध हुआ होगा, सब दौर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ नौकरी कर लो, देखो उसका पहचान है, वो नेताजी को जानते हैं, जाओ उसको मिल लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे, आज सब लोग कहते होंगे कि यार इसने तो कमाल कर दी, कुछ ऐसा मुझे भी करना है। हर किसी के स्टार्टअप की जिंदगी की यही कहानी है, एक भीतर से एक ऊर्जा होती है, भीतर में एक सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती हैं। और दुनिया में हर किसी ने यही किया होगा। कभी आज हम सोचें कि 1423 कोलंबस जब निकला होगा क्या मिलने वाला था, लेकिन उसको लगा होगा कि कोई एक नया रूट मुझे खोजना है, विश्व को मुझे जोड़ना है, और वो चल पड़ा। और चलने के पहले उसने ढेर सारी चीजों का अध्ययन किया होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी, और नया एक उसने स्पाइस रूट को दुनिया को दिया होगा। आज जो स्पेस में काम कर रहे हैं, शुरू जब हुआ होगा तब लोग मजाक उड़ाते होंगे, यार ये क्या कर रहे हैं। हर चीज की कहीं शुरुआत होती है, तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है, औरों को वही दिखता है कि ये पागल है। और इसलिए जिन्होंने ये सफलता पाई है वे सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं है, एक प्रकार से एडवेंचर उनकी प्रकृति का हिस्सा है, तब जाकर के होता है। स्टार्टर की सक्सेस सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एडवेंचर करने का इरादा, ये उसके साथ जुड़ता है। और तब जाकर के हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं। जो कुछ करने के इरादे से आता है पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं,
और आप सबने देखा होगा कि आप लोगों ने जब शुरू किया होगा तब आपने बैंक बैलेंस क्या होगा ये कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन किसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता हूं यह सोचा होगा, तब हुआ होगा। और स्टार्टअप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूर नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों के जिंदगी के बद संभालना है, वो कर लेगा। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 से कम आयु के नौजवान हो, जिस देश के नौजवानों के पास टैलेंट हो, हाथ में हुनर हो, अपरंपार सपने हो और पूरी दुनिया में अवकाश ही अवकाश हो, क्या नहीं हो सकता है। आज मैं आईटी प्रोफेशनल से कहना चाहूंगा, विश्व के किसी भी दुनिया के देश के नेताओं से मैं मिलता हूं, दुनिया का कोई भी डेलीगेशन आता है, उनकी जो बातों में होती है उसमें एक चिंता हर एक को सता रही है और वो है साइबर सिक्योरिटी। हर कोई परेशान है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। क्या भारत साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अथॉरिटी बन सकता है? एक बार हिंदुस्तान का ब्रांड का साइबर सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर मिल गया, अब दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती है। कर सकते हैं क्या? मानव जात के लिए चुनौतियां आवश्यक हैं, क्योंकि सरफरे लोग तो हैं जो तबाही करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम मानवता को बचा भी तो सकते हैं। हमारे पास इस प्रकार के लोग हैं। और ये भी सही है, भारत के पास मिलियंस ऑफ मिलियन प्रॉब्लम है, कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इस बात का भरोसा भी है कि बिलियंस ऑफ बिलियन माइंड भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम है तो बिलियन माइंड भी तो हमारे देश में है। हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए, और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा जी। जब किसी की जिंदगी में बदलाव लाता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इसलिए मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो। इतना भी अगर सपना लेकर के हम चलते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं।